हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि डाउट पूछा था स्टूडेंट ने। क्वेश्चन है, ये फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के जो रिलेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन विच वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब वेयर के एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। For x greater than equal to 0, the functional form of potential energy of the particle is. अब देखो, force से potential energy हमको निकालनी है। Actually हम force जानते हैं, force होता है minus du by dx and u is equal to minus integral f dx. This is the way we can find potential energy from a conservative force. तो ये आ गया minus, force कितना है minus kx प्लस ए एक्स क्यूब टाइम्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ए एक्स की पावर फोर बाय फोर। ठीक है, तो पूछा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी। तो इस तरह से, वैसे इसमें कॉन्स्टेंट भी आएगा लेकिन उस कॉन्स्टेंट को हम देख सकते हैं कि क्या इसमें, वैसे सी आएगा एक्स जीरो पे हर फंक्शन को एक तरीके से देखें तो जीरो जैसा दिया हुआ है सिर्फ इसके अलावा, तो इनफाइनाइट तो होगा नहीं। एक्स जीरो पे रखें तो यू जो है लॉजिकली इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो हम सी को जीरो मान सकते हैं। ठीक है, मतलब सी को इग्नोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। अब इस फंक्शन के हिसाब से देखें तो एक्स जीरो पे तो फंक्शन जीरो आ रहा है। अब इसको अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी जीरो, U इज इक्वल टू जीरो, देखो इसमें एग्जैक्ट अगर हम ग्राफ बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो फिर क्या कर सकते हैं हम। तो हम पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय फोर इंटू टू के माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो इस तरह का ये फंक्शन आएगा। अब देखिए ये दो पॉइंट पर जीरो होगा, अगर एक तरीके से हम बात करें यू को जीरो करके देखें तो एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म जब जीरो होगी तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू के बाय ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो देयर वुड बी टू पॉइंट्स, मतलब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो दो पॉइंट्स पे ये फंक्शन जीरो होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी भी नहीं है, बी भी नहीं है। Now we are left with A and D. तो A and D की बात करें, अब इसमें से कौन सा पॉसिबल फंक्शन हो सकता है A और D में से। अब देखो फोर्स क्या दे रखा है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। तो x अगर हम अप्रोचिंग टू जीरो माने तो अगर x बहुत छोटा है तो एक्स क्यूब को हम x की टर्म्स में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो फोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली माइनस के एक्स जैसा मान सकते हैं। और ये के जो है पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। डी यू बाय डी एक्स क्या हो गया, स्लोप, यानी एक्स जब बहुत छोटा होगा जीरो के करीब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स का जो ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव आना। अब ए वाले में देखें तो हम जीरो के पास में स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ए नहीं होगा। या एक और चीज हम कर सकते हैं कि जब एक्स इंफिनिटी को रीच करेगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के कंपेरिजन में एक्स की पावर फोर वाली टर्म बहुत ज्यादा आएगी, यानी कि नेगेटिव में वो नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले फंक्शन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी लेकिन डी वाले में वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि आंसर डी वाला होना चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस करके हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।